देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं आपके साथ निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में कौन सी खबर रही सुर्खियों में। प्रदेश में 4 माह के बच्चे सहित संक्रमण के 36 नए मामले। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 185। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के रविवार को 36 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 19 केस बिलासपुर से हैं। संक्रमितों में 4 माह का बच्चा और उसकी माँ भी शामिल है, जबकि बलरामपुर से 5, बलौदाबाजार से 4, सरगुजा व कोरिया से 2-2 और मुंगेली, गरियाबंद, बेमेतरा व रायगढ़ से 1-1 नए संक्रमित मिले हैं। इसकी पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है। वहीं बिलासपुर में भर्ती जांजगीर के 2 और अंबिकापुर में भर्ती कोरिया के 1 मरीज को और छुट्टी मिल गई है। इसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 185 हो गई है। कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा प्रदेश में 252 पर पहुंच गया है। झीरम नक्सली हमले के साथ साथ सीएम भूपेश बघेल ने शहीद जवानों और नेताओं को दी श्रद्धांजलि। आज झीरम नक्सली हमले के 7 साल पूरे हो गए। सीएम भूपेश बघेल ने नक्सल हमले में शहीद जवानों और नेताओं को नमन करते हुए उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। झीरम नक्सली हमले की बरसी की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि शहीदों की स्मृति में 25 मई हर साल झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में लाख की खेती को मिलेगा कृषि का दर्जा। छत्तीसगढ़ में लाख की खेती को अब कृषि का दर्जा मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लाख की खेती को फायदेमंद बनाने के उद्देश्य से वन विभाग द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव को उपयुक्त और किसानों के लिए लाभकारी मानते हुए अपनी सहमति प्रदान की। मुख्यमंत्री ने सहमति प्रदान करते हुए कृषि, वन और सहकारिता विभागों को समन्वय कर लाख और इसके जैसी अन्य लाभकारी उपज को कृषि में शामिल करने का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की अगली बैठक में रखने के निर्देश दिए हैं। देश में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 7,000 नए कोरोना मरीज। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में रोजाना रिकॉर्ड उछाल आ रहा है। पिछले 24 घंटे में तकरीबन 7,000 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इस तरह संख्या तकरीबन 1,40,000 के निकट पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में अभी कोरोना वायरस के कुल मामले 1,38,845 हो गए हैं। रविवार को यह संख्या 1,31,868 थी। इसी तरह एक दिन में 6,977 नए मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और उद्धव ठाकरे सरकार में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के मंत्री अशोक चव्हाण कोरोना संक्रमित हो गए हैं। महाराष्ट्र सरकार में वे दूसरे कोरोना संक्रमित मंत्री हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुंबई से मराठवाड़ा स्थित अपने गृह जिले की नियमित यात्रा करते थे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कुछ दिन पहले अशोक चव्हाण को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया था। पहले उन्हें होम क्वारंटाइन रखा गया था और अब नांदेड़ के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। उनकी हालत स्थिर है। प्रवासी मजदूरों का हुनर उनके लिए बनेगा रोजगार का साधन। ब्यौरा तैयार कर रही है यूपी सरकार। राज्य सरकार ने प्रवासियों के हुनर का फायदा लेकर यूपी के अर्थतंत्र को मजबूत करने की दिशा में काम शुरू करा दिया है। उनकी विशेषज्ञता के आधार पर उत्पादों को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। इसलिए गैर राज्यों से लौटे श्रमिकों और मजदूरों का पूरा ब्यौरा तैयार कराया जा रहा है। एक रजिस्टर बनाकर इसमें नाम दर्ज किया जा रहा है कि कौन प्रवासी क्या काम कर सकता है और उसकी विशेषज्ञता क्या है। इसके आधार पर उसे यूपी में ही रोजगार देने का काम शुरू होगा। दिल्ली एयरपोर्ट से 82 उड़ानें रद्द। मुसाफिर परेशान, बोले नहीं मिला कोई जानकारी। देश में घरेलू विमान सेवाओं को आज से शुरू कर दिया गया है। कई मुसाफिरों के लिए यह राहत की खबर है, लेकिन मुसाफिरों को आज पहले दिन ही निराश होना पड़ा। आधी रात को ही कई मुसाफिर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन वहां उन्हें आखिरी वक्त में उड़ान कैंसिल होने की जानकारी मिली। घरेलू हवाई सफर में पहले दिन कई मुसाफिरों के रंग में भंग पड़ गया। कई फ्लाइट कैंसिल हो गई। दिल्ली के पोर्ट ब्लेयर, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, इंदौर की सुबह की फ्लाइट कैंसिल हो गई। उधर मुंबई में भी ऐसा ही आलम था। गुवाहाटी की फ्लाइट कैंसिल होने की सूचना हुई तो यात्री मायूस हो उठे। ईद की मुबारकबाद देकर पीएम मोदी बोले, सभी लोग रहे स्वस्थ, बढ़ाए भाईचारा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में मनाए जा रहे ईद उल फितर त्यौहार की बधाई दी है। पीएम मोदी ने ईद की मुबारकबाद देते हुए सभी लोगों के स्वस्थ रहने की कामना की। ईद उल फितर का चांद देश के विभिन्न हिस्सों में रविवार को नजर आया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, ईद मुबारक, ईद उल फितर की बधाई। इस विशेष अवसर पर करुणा, भाईचारे और सद्भाव की भावना को आगे बढ़ाएं। सभी लोग स्वस्थ और समृद्ध रहें। नहीं रहे हॉकी के लीजेंड बलबीर सिंह सीनियर, 96 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। भारतीय हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर का निधन हो गया। वह 96 साल के थे। वे सप्ताह से अधिक समय तक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझने के बाद सोमवार को अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। 22 साल की रियलिटी शो स्टार हाना की मूरा की मौत। जापानी प्रो रेसलर और नेटफ्लिक्स से पॉपुलर रियलिटी शो टेरेस हाउस की स्टार हाना की मूरा की 22 साल की उम्र में मौत हो गई। उन्हें घर में मृत पाया गया था। हाना के ऑर्गेनाइजेशन स्टारडम रेसलिंग ने शनिवार को उनकी मौत की खबर को कंफर्म किया है। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाली वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए। आप अपने घर, कार्यस्थल, फैक्ट्री के पूर्व दिशा पे एक उगते हुए सूर्य की फोटो लगाएं। उगता हुआ सूर्य ताप का प्रतीक है, पूर्व दिशा का प्रतीक है और यह कहीं ना कहीं शासन पक्ष को भी प्रतिबिंबित करता है। तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या जो लोग ठेकेदारी का कार्य करते हैं या जिनका गवर्नमेंट को कोई सप्लाई है या जिनका काम गवर्नमेंट पक्ष से है या जो लोग शासकीय पक्ष में या शासकीय कर्मचारी हैं, उनको अपने भवन के ड्राइंग रूम के पूर्व दिशा पे उगते हुए सूर्य की फोटो अवश्य लगानी चाहिए। लेकिन इसको लगाते समय एक ध्यान अवश्य रखें कि यह उगता हुआ सूर्य हो, डूबता हुआ सूर्य नहीं है। तो जब भी आप इसको लें तो देखें कि यह उगता हुआ सूर्य का फोटो